तो दोस्तों ट्विटर का कहना है कि जो कंगना रनौत हैं वो लगातार उनके जो है हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी का उल्लंघन कर रही थी और लगातार जो है आपत्तिजनक ट्वीट किए जा रही थी। तो ऐसे में कई लोगों ने इसकी रिपोर्ट कर दी और जो ट्विटर है उन्होंने कंगना रनौत का जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया। अब ऐसे में कंगना रनौत ने क्या रिएक्शन दिया है, कंगना रनौत कहती है कि ट्विटर ने केवल मेरा पॉइंट साबित किया है कि उन्हें जन्म से जो है गोरे अमेरिकियों को लगता है कि वो एक ब्राउन आदमी को जो है अपना गुलाम बना सकते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है या फिर क्या करना है। और सौभाग्य से मेरे पास कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल मैं अपनी आवाज उठाने के लिए कर सकती हूँ और सिनेमा के तौर पर जो है मैं अपनी आवाज खुद भी उठा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक कला है। लेकिन मेरा दिल इस देश के लोगों के लिए जो है दुखद हो रहा है जिनको हजारों सालों से टॉर्चर किया जा रहा है, उनको गुलाम बनाया जा रहा है और उनको सेंसर किया जा रहा है और अभी भी जो है इस बीमारी का अंत नहीं हुआ है। यहां तक कि कंगना ने यह भी दावा किया है कि जब उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग वाला वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था उसके बाद ही जो है उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया है। आपको बता दूं कि दोस्तों बंगाल चुनाव में जो बीजेपी के हार से कंगना रनौत जो है वो काफी झुंझला गई थी और ऐसे में उन्होंने जो ममता बनर्जी है उनकी जो तुलना है बिना ममता बनर्जी का नाम लिए उनकी तुलना जो है ताड़का से कर दी थी। और ये जो उन्होंने ट्वीट किया था, इस ट्वीट को काफी लोगों ने रिपोर्ट किया था जिसके चलते ट्विटर ने जो है कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया था। और ऐसे में कंगना रनौत ने उसका रिएक्शन देते हुए बोला है कि भाई ये अमरीकी लोग जो है हम ब्राउन लोगों को आज भी अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हमें उनके हिसाब से सोचना चाहिए, उनके हिसाब से बोलना चाहिए और उनके हिसाब से जो वो चाहते हैं वो हमें करना चाहिए। तो ये था कंगना रनौत का रिएक्शन उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाने पर। दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।